एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, अभी जो नज़ारा देख रहे हैं और ये नज़ारे के अंदर आप ये बहुत तादाद के अंदर जो रंग बिरंगी पोशाकों में हैं और अधिकतर सभी महिलाओं ने जो पीली साड़ी पहन रखी है और उससे ये दर्शाना चाहते हैं कि आज हम सभी लोग इकट्ठे हैं और आज छठवां अखिल भारतीय रगर महासभा सम्मेलन को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस मनाने का क्या तात्पर्य है। और आइए हम जानकारी लेते हैं कि हमारे बीच में बहुत तादाद के अंदर जो महिलाएं, मैं कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि पीछे तक एक बार ये हम फोकस दिखाएं कि कितनी बहुत तादाद के महिला आज इकट्ठी हैं। आपका नाम? सरिता मंडोतिया। सरिता मंडोतिया। मंडोतिया, हाँ जी। मंडोतिया जी, आप इतनी बहुत तादाद के अंदर यहाँ आई हैं, बहुत सी महिलाओं के हाथ में कलश है और आज आप लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं? आज हमारा अखिल भारतीय रैगर महासभा का छठा महासम्मेलन है जी। और ये हमारा 31 साल बाद हो रहा है और ये पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है और हर क्षेत्र से, छोटी छोटी जगह से, पूरे राजस्थान से, दिल्ली से, हर जगह से सारे लोग जो भी राजस्थानी समाज से बिलोंग करते हैं सभी आए हैं और अपनी एकता का परिचय दे रहे हैं और दिखा रहे हैं कि हम कितने एक हैं और हमारे में कितना भाईचारा है और पीला उड़ा के हम ये समानता का परिचय दे रहे हैं कि महिलाओं का हमारे समाज में कितना सम्मान किया जाता है। कोई भी शुभ कार्य जब हम करते हैं तो शुभारंभ हम पीले से ही करते हैं और कलश से करते हैं जो कि आपको यहाँ जुनून दिखाई दे रहा है। तो ये आपका ये जो करने का ये प्रोग्राम है, महासम्मेलन करने का प्रोग्राम है, इसका क्या एक महत्व, इसका क्या तात्पर्य है? एक तो लोग करते हैं कि अपना धरना प्रदर्शन करते हैं और एक खुशी जाहिर करते हैं कि हम अपने गुरुओं को सम्मान दे रहे हैं, हम अपने आदर्शों को दिखाना चाहते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है, जो छठा जो रैगर महासम्मेलन है, इससे क्या लोगों को लाभ मिलेगा? इसको लाभ ये मिलेगा, ये सब प्रोग्राम हमारा 1944 में हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने ही शुरू किया था कि समाज में जो जो कुरीतियाँ हैं उनका विरोध किया जाए और हमारे समाज की उन्नति के लिए हम जो प्रस्ताव लेके जा रहे हैं। आज हमारे जो हमारे गृह मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे विशेष अतिथि हैं हमारे, उनको हम ये प्रस्ताव देंगे कि हमारे समाज में कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जिनको आरक्षण मतलब दिया ही नहीं गया, उनको भी हम आज उनके प्रस्ताव में डाले जा रहे हैं और हमारे समाज को शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में कैसे कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए हम सारा इसमें मेंशन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात कि अभी बताया कि आज हम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जो प्रोग्राम होगा, सम्मेलन होगा, उसके अंदर हमें कुछ ज्ञापन भी देना होगा और ज्ञापन के अंदर जो मांगे हैं कि जो राजस्थान से जो यहाँ कुछ लोग रह रहे हैं उनको मान सम्मान नहीं मिला हमारे बीच में, समाज से भी, और पूरा जीवन इन्होंने समाज में लगा दिया हमारे बीच में। अशोक जी, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं और पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि आज का जो ये पूरा वेब जो प्रोग्राम है, इतनी बहुत तादाद के अंदर जहाँ पुरुषों की तादाद है वहाँ महिलाओं की बहुत पैमाने पर बड़ी तादाद है। अशोक जी, आज का जो प्रोग्राम है, सब अच्छे वस्त्र पहनकर और ये दिखाना चाहते हैं कि हम सभी लोग एक हैं, तो आप पूरा इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम अशोक कुमार तोंगरिया है जी। ये हमारी एक बहुत बड़ी सभा जिसका हमने नाम रखा हुआ अखिल भारतीय रेगर महासभा, जो कि ऑल इंडिया बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इस सभा का जो आयोजन है, इस महासभा का जो संगठन जो है, सन 1944 में बनाया गया था हैदराबाद गांव डोसा के अंदर, जहां पर पहला सम्मेलन मनाया गया था। उस समय से लेके आज तक हमारे साथ में जो शोषितों के साथ में जितना भी अत्याचार जो राजस्थान के गांवों में होता रहा है, उसका प्रतिरोध करने के लिए, उनसे लड़ाई करने के लिए हमारे बुजुर्ग जो लोग थे उन्होंने उस समय आगे आ करके समाज को एकत्रित करना चालू किया, समाज को शिक्षित करना चालू किया, समाज के अंदर सांस्कृतिक चेतना जागृत करी और समाज को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए जो पुराने पुराने गंदे रीति के काम थे, जिस प्रकार से गाय का चमड़ा उठाना या भैंसों का चमड़ा उठाना, उनकी रंगाई वगैरह का काम करना, इन सारे कामों से निपटारा देने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन 1944 से लगातार हो रहा है। 1944 में पहला सम्मेलन दोसा में अंदर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता श्री भोलाराम जी तोंगरिया ने करी थी। सौभाग्य से मैं उनका पोता हूं और आज मैं छठे सम्मेलन के अंदर मैं खुद जो है अखिल भारतीय रैगर महासभा के उपाध्यक्ष के नाते इस सारे सभा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अशोक जी, ये देखा जाता है कि आज भी कहीं ना कहीं देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, आज भी ये इन रैगर समाज है, अनुसूचित समाज, इन पर अत्याचार होते हैं। हाँ,
अलीगढ़ समाज जो है ये विशेष करके हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर फैला हुआ है, जहां और गुजरात में भी। जहां तक राजस्थान का सवाल है और गुजरात में इतना एट्रोसिटी नहीं है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश यहां पर आज भी हमारे समाज के साथ, जो विशेष करके जो गरीब वर्ग के हैं, जो मजदूर वर्ग के हैं, उनके साथ में छुआछूत भी होती है, उनके साथ में उनके यहाँ तक कि उनके शव को भी नहीं जलाया जाने देते हैं, यहाँ तक कि उनको घोड़े पे नहीं बैठने देते, उनकी रंगोली नहीं निकालने देते। ये जो प्रकार के जो व्यवहार है वो आज भी हमारे साथ हो रहे हैं। हम इनका पुरजोर विरोध करते हैं और इसीलिए सम्मेलन के माध्यम से जो हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है, जैसे हमने इंदिरा गांधी जी को 1984 में बुलाया था, 1986 के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति जी ज्ञानी येल सिंह थी उनको विज्ञान भवन में बुला करके सारी बातों से अवगत कराया गया था, तो तब से हमारा ये एक संघर्ष चल रहा है, लगातार संघर्ष चल रहा है इस समाज का, और इस समाज को आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से, धर्म के रूप से, हर हिसाब से संपन्न बनाने के लिए ये जो सम्मेलन है ये समय समय पर होते रहते हैं। और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे समाज ने बहुत सारे IAS अफसर दिए हैं, बहुत सारे IPS अफसर दिए हैं, बहुत सारे हमारे नेता दिए हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट दिए हैं, बहुत सारे MLA दिए हैं, लेकिन किसी ना किसी कारणों की वजह से हमारा जो राजनीतिक जो शक्ति थी वो क्षीण होती जा रही है, और क्षीण इतनी होगी कि कोई ज़माने में जब हमारे दो दो मेंबर पार्लियामेंट हुआ करते थे, पाँच पाँच सात सात MLA हुआ करते थे, दस दस पंद्रह जो हमारे कॉरपोरेटर हुआ थे वो सिमट करके आज केवल 2 MLA तक रह गया है। तो हाँ, जो सम्मेलन हमारा होने जा रहा है जिसमें मुख्य अतिथि हमारे राजनाथ सिंह जी भारत सरकार के होंगे, उनके सामने ये प्रस्ताव रखा जाएगा कि ये जो समाज है ये सारे भारत के अंदर 70 लाख की आबादी वाला समाज है और इस समाज के लिए आपको कोई ना कोई काम करना चाहिए। तो उसके लिए जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे वो शिक्षा से संबंधित होंगे, समाज की क्रूरतियों से संबंधित होंगे और समाज की राजनीतिक शक्ति के लिए होंगे। हम राजनाथ जी से ये प्रार्थना करेंगे कि भाई आप जो है हमारे समाज के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि राजनीति ही जो है शक्ति का स्रोत है। तो हम ये चाहते हैं कि ये हो। इसी प्रकार से हमारी जो क्रूतियाँ हैं, जिस प्रकार से मृत्यु भोज पर जो खाना वाना बनाया जाता है, मृत्यु भोज के अंदर जो मीठा बनाया जाता है और जो बहुत सारे महंगे हमारे जो रस्म रिवाज है, इन सब की क्रूतियों को दूर करने के लिए आज प्रस्ताव पारित होगा। इसी प्रकार से शिक्षा कितनी होनी चाहिए, किस किस प्रकार की होनी है, ये प्रस्ताव भी पारित होगा। इन सारे प्रस्तावों की हमारे अध्यक्ष BL खटनावले जी ने एक प्रस्ताव समिति का आयोजन किया, उस प्रस्ताव समिति का मेरे को अध्यक्ष बनाया गया और मैंने वो सारे प्रस्ताव बना करके मेरे अध्यक्ष को दे दिए हैं, और इन्हीं प्रस्तावों पर अभी जो है मीटिंग के अंदर बकायदा उसके अंदर विचार विमर्श होगा। ये हमारे बीच में और भी हैं, हेमलता बारोलिया जी। हेमलता जी, ये जो इतना बड़ा प्रोग्राम मनाया जा रहा है, हम शहर में रह रहे हैं तो हमें छुआछात का मालूम नहीं पड़ता, लेकिन गांव देहात के अंदर जैसे अभी अशोक जी ने बताया कि दूल्हे को मतलब घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया था, इसी तरीके के आज भी महिला एजुकेशन में पीछे हैं। आज हम महिला एजुकेशन में इसलिए पीछे हैं क्योंकि छुआछात और इस प्रकार के कई कार्यक्रम रखते हैं, इसी को हम एक करने के लिए, एकत्रित करने के लिए इसलिए ये छठा महासम्मेलन होने जा रहा है, रायगढ़ महासम्मेलन। लेकिन आप तो शहर में रहने, गांव में जो अपनी बहन है, अपना परिवार है, उन लोगों को आप कैसे समझाएंगे? उनके उधर से भी, जयपुर से, अहमदाबाद से और हर जगह से लोग आज आ रहे हैं, और आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है, और इसलिए हम, हाँ जी, विजय कुमार तोगड़िया जी, ये इतना अच्छा प्रोग्राम देख के लोगों की आंखें खुलती हैं कि ये सब समाज एक हो रहा है, तो आपको इस समाज में कैसा लग रहा है? इस समाज के अंदर हम एकत्रित हैं, हमेशा ऐसे ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। 1944 से लेके 2018 तक हम छठा सम्मेलन करने जा रहे हैं, पांचों को पांचों जो पहले जो हमारे महासम्मेलन थे वो भी इसी तरीके के अच्छे हुआ करते थे, और इसी के माध्यम से हम गांव-गांव में जाकर लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। अभी आपने जैसे प्रश्न किया था कि आप गांव के लोगों से कैसे आप उनको संपर्क, तो वहाँ हम बुजुर्ग, वहाँ व्यक्तिगत रूप से और महात्मा के माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से जाते थे और वहाँ के लोगों को समझाते थे और उनको शिक्षित करते थे कि हमें उन्नत होना है, हर क्षेत्र में उन्नत होना है, धार्मिक क्षेत्र में उन्नत होना है, सामाजिक क्षेत्र से उन्नत होना है, राजनीतिक क्षेत्र से उन्नत होना है, और इवन सांस्कृतिक क्षेत्र और खेल कूद के से भी हमें उन्नत होना है। तो हमारे यही मकसद है। समाज से आप क्या अपील करेंगे? अपील से हम यही समाज से अपील करेंगे, आओ संगठित रहो और अपने अपने आप को एक
बाबूजी आपका नाम? मेरा नाम जगदीश चंद दोतानी है। जगदीश चंद जी आज इतना बहे वो इतना अच्छा विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, ये रायगढ़ समाज का विहंगम दृश्य है। अपने अधिकार हकूकों के लिए हम अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हमें हर जगह हमें अपना अधिकार चाहिए, राजनीति हो सामाजिक हो किसी भी स्थिति में। हम इसको आज की स्थिति को आज के इस हालात को हम कहीं समझौते की स्थिति में नहीं लेके आएंगे। हम समर्पण करते हैं राष्ट्रभक्त। हमने शांतिप्रिय ढंग से हमेशा इस देश को हमेशा अपना सहयोग दिया है और आज भी अहिंसा हमारा धर्म है, एकता हमारा धर्म है, समाज की उन्नति प्रगति की ओर हम प्रशस्त हैं। हम चाहते हैं हमारा समाज उन ऊंचाइयों को उन शिखरों पर पहुंचे जहां हर समाज अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। आज हमारा कहीं भी राजनीति में वर्चस्व नहीं है, कहीं भी हमारी उपस्थिति नहीं है, कहीं भी किसी शासन प्रशासन में कहीं हमारी हम गौण हैं हर तरफ से। तो आज हमें ये इकट्ठा होना पड़ा और होना ही चाहिए, हर समाज को होना चाहिए, जाकर समाज ही नहीं हर समाज को होना चाहिए। जगदीश जी जब उन्नति की बात करते हैं तो एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आज जितनी भी सरकारें आ रही हैं वो दिन पर दिन ये अनुसूचित जाति जिसे कई कई नामों से जाना जाता है उनके एजुकेशन में बाधा पहुँचा रही हैं। अभी बजट आया है 70 और 30 का, 70 गवर्नमेंट देगी, 30% जो है वो अपने तरफ से देना पड़ेगा। जो फीस बच्चे 5,000-7,000 रुपये दे रहे हैं तो वो 70,000 और 45,000 रुपये कैसे देंगे? ये समूचे भारत के बनस्पत हम लोगों के लिए ज़्यादा परेशानी है जी। जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं है, हम कमज़ोर स्थिति में है। हम शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, सक्षम है, हमारे यहाँ भी शिक्षा काफ़ी अच्छे लोगों के पास है, लेकिन फिर भी कुछ परिवार ऐसे हैं, कुछ परिवार ने बहुत से परिवार ऐसे हैं जो शिक्षा तो लेना चाहते हैं लेकिन आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर सके। गवर्नमेंट को सरकार को समझाने के लिए उनको दबाव डालने के लिए ये सारा शक्ति प्रदर्शन है। ये मेरे समाज की बात नहीं है, समूचे अनुसूचित जाति की बात है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें जो मार्ग दिखाया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, आज संघर्ष हमारा प्रथम चरण है। संगठित हम होने जाने की अपील कर रहे हैं, शिक्षित बनो ये हमारे अधिकार है, ये मौलिक अधिकार है जिनकी लड़ाई के लिए हम आज हम सब सरकार के आगे गृह मंत्री के आगे अपने ज्ञापन को पेश करेंगे। हम चाहते हैं समूचा भारत और सभी दलित समाज इसमें एकाग्र होकर एकीकरण करके हमारी एकता में अपना स्वर मिलाएं और सरकार से अपनी इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस लड़ाई में शामिल हों।